तो आपने 30 में से अभी तक 15 लेक्चर ही देखे हैं, आपके 5 में से अभी तक 2 चैप्टर ही कंप्लीट हुए हैं, और आपका वॉच टाइम है 12 घंटे 28 मिनट का अभी तक। 100 डेज स्ट्रीक, 120 डेज स्ट्रीक, मैं सारे लेक्चर देख रहा हूँ, 100 डेज की स्ट्रीक मार दी मैंने लेक्चर देखते देखते। भैया या दीदी देखे जो रोज हमको फिर डांटता रहे उस बात के लिए, या के लिए वो मोटिवेटिंग है, पर मुझे पता है कि मेरी दीदी जो भी कर रही है मेरे भले के लिए। स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड या स्टूडेंट ट्रू मिरर रिपोर्ट, अब ये क्या चीज बनाई है हमने जब आप बैच लोगे तो बैच के अंदर आपको यहाँ पे माई डैशबोर्ड का सेक्शन मिलेगा, और इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे, माई डैशबोर्ड पे हम गए, अब ये आपको बताएगा कि आप एक्चुअल में कितना लेक्चर देख रहे हो। तो आपने 30 में से अभी तक 15 लेक्चर ही देखे हैं, आपके 5 में से अभी तक 2 चैप्टर ही कंप्लीट हुए हैं, और आपका वॉच टाइम है 12 घंटे 28 मिनट का अभी तक, है ना। तो अगर मैं देख के चलूं 30 लेक्चर मैं मल्टीप्लाई करूं यकीन से तो करीब करीब ये 60 घंटा होना चाहिए था, और आप 12 घंटे पे बैठे हुए हो तो डेफिनेटली आप यहां पे चोरी कर रहे हो। इसके बाद डीपीपी 30 में से 18 ही कंप्लीट है, क्वेश्चन 300 में से 172 ही किए हैं, एक्यूरेसी आपकी 58% है, और ये चीज आपको हर रोज मिलेगी। अगर आप रोज डीपीपी अटेम्प्ट करोगे तो ऐसे आपकी स्ट्रीक बनती जाएगी कि 3 दिन से लगातार मैं डीपीपी अटेम्प्ट कर रहा हूं, 4 दिन से लगातार अटेम्प्ट कर रहा हूं, 100 डेज स्ट्रीक, 120 डेज स्ट्रीक, मैं सारे लेक्चर देख रहा हूं, 100 डेज की स्ट्रीक मार दी मैंने लेक्चर देखते देखते, और उसी के अंदर आपका टेस्ट का एनालिसिस कि 30 में से 15 टेस्ट ही दिए, तुम तो टेस्ट ही नहीं दे रहे हो। अब इसके बाद तुम जाओगे अपने मेंटर के पास, यही तो बात है, आप झूठ नहीं बोल पाओगे, इसके बाद तुम मेंटर के पास जाओगे, बोलोगे क्या हुआ मुझे बैच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो खोलेगा सामने रिपोर्ट कार्ड, वो बोलेगा एक बात बता तू आधे लेक्चर तो देखता नहीं है, तू आधी डीपीपी सॉल्व करता नहीं तो तेरे को कैसे समझ में आएगा, तो पहले डीपीपी सॉल्व कर, फिर आप बोलोगे यार डीपीपी नहीं सॉल्व करते टाइम नहीं मिलता है, तो फिर आपको बताएगा कि अपना टाइम आप कैसे मैनेज करो, यहां आपकी प्रॉब्लम है, या आपको आप उसको बताओगे ऐसा है कि मेरे घर में पढ़ाई नहीं कर पाता, वो कहेगा अच्छा घर में पढ़ाई नहीं कर पाते भाई तुम ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, मतलब वो आपको सजेशन देना वहां से स्टार्ट करेगा आपकी प्रॉब्लम जान के। तो इसका एक्सेस भी आपके मेंटर के पास रहेगा, और डिटेल में मैं इसको आपको दिखाऊं तो देखो सब्जेक्ट लेवल पे भी रहेगा कि सब्जेक्ट लेवल पे आप डीडीपीपी का क्या चल रहा है, केमिस्ट्री की डीपीपी आप 10 में से 5 करते हो, इसकी थर्मोडायनेमिक्स की आप ऐसे करते हो, तो इस सब्जेक्ट लेवल पे भी डीपीपी का लेक्चर का ब्रेकडाउन कि फिजिक्स में आप 10 में से 8 लेक्चर देखते हो, हाफ कंप्लीट किया है इसमें आपको, ऐसे करके एनालिसिस रहेगा। तो ये आपके कुछ डैशबोर्ड इस तरह के आपको मिलेंगे, इसका एक्सेस आप चाहो तो अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, या अपने किसी मेंटोर को भी दे सकते हो जो आपके घर पे आपका मेंटोर, आपका भैया दीदी, जो आप चाहते हो कि जिससे आप सब कुछ शेयर करो। कई बार हम लोग चाहते हैं ना हमारी सारी गलतियां हमारे घर वाले देखें, हमारा कोई भैया या दीदी देखे जो रोज हमको फिर डांटता रहे उस बात के लिए, या किसी के सामने, जैसे मेरी ये चीज है मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना होता है तो मैं जाके उसको अपनी दीदी को बोल देता हूं मुझे ये करना है, फिर मैं उसका 4 दिन अगर सो रहा हूं ना तो फिर ताने मिलने लगते हैं मुझे, तुम तो कह रहे थे ये करोगे तुम तो सो रहे हो, तो मेरे लिए वो मोटिवेटिंग है, पर मुझे पता है कि मेरी दीदी जो भी कर रही है मेरे भले के लिए। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, डेफिनेटली आप अपने पड़ोसी को नहीं दोगे, है ना, तो आप उसको दोगे जो आपके लिए अच्छा चाहता है, तो उसको भी आप इसका एक्सेस दे सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर बनाया है।